Hello everyone. So in this topic we will be discussing EMF induced in a coil rotating in a magnetic field. जब किसी coil को magnetic field में rotate करवाया जा रहा है तो EMF किस तरह से produce होगा, उसकी shape कैसी होगी वो हम देखेंगे. तो first diagram में देखिए, यहाँ पे मैंने दो poles बनाए हैं. एक आप north pole मान लीजिए, एक south pole मान लीजिए, और बीच में एक coil रखी है, कोर पे बाउंड है. तो और इसको हम खुद एक्सटर्नल किसी फोर्स से रोटेट करवाएंगे. तो जब रोटेट कराएंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो उसकी शेप कैसे होगी उसको हम स्टडी करेंगे. तो सपोज़ ये दो आपके मैग्नेट के पोल्स हैं, एक नॉर्थ मान लीजिए, एक साउथ मान लीजिए, और बीच में एक कॉइल प्लेस्ड है. तो अब हम डिफरेंट पोजीशंस पे उसकी ईएमएफ इंड्यूस्ड स्टडी करेंगे. तो इसका ही एक डायग्राम हमने डिटेल थोड़ा सा डायग्राम बना के रखा है. तो यहाँ पे एक स्टेटर है, वहाँ पे हमने पोल्स को बाउंड किया है, वाइंडिंग बाउंड की है, और उसकी डायरेक्शन हम देख सकते हैं क्रॉस और डॉट से मार्क्ड है. अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉर्थ कहाँ पे है और साउथ कहाँ पे. तो हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, यहाँ से करंट ऊपर को आ रहा है और क्रॉस में अंदर को जा रहा है, तो इस तरह से बन रहा है. तो थंब नॉर्थ की डायरेक्शन बताएगा, मतलब इस तरफ हमारा नॉर्थ पोल बन रहा है. और वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, इस तरफ अगेन ऐसा है, इधर नॉर्थ आ रहा है, मतलब ये वाला जो है आपका ये साउथ बनेगा. ओके, तो क्योंकि एक ही वाइंडिंग को बाउंड किया जाता है तो ये पूरा हमारा एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, जिसके दो पोल होंगे नॉर्थ एंड साउथ. अब इसमें हम अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, नॉर्थ से साउथ बनेगी. सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ से साउथ में बनेगी. किसी और कलर का मैं यूज़ करती हूँ ताकि आपको और थोड़ा क्लियरली विजुलाइज हो. तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. ये रेड कलर से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो अब यहाँ पे एक कॉइल प्लेस्ड है और उसको मार्क करके रखा है हमने ए ए डैश. सो ए ए डैश कॉइल का नाम है. सपोज ये कॉइल है तो इसकी एक साइड को हमने, इस वाली साइड को हमने ए सब माना है, और यहाँ पे जो इस तरफ आएगी वो ए डैश से रिप्रेजेंट किया है. सो नाउ इसकी अलग अलग पोजीशंस भी मार्क कर रखी हैं. जब ये कॉइल यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में होगी तो पोजीशन मार्क करके रखी है 1 एंड 5. जब वो थोड़ी इस तरह हम उसको रोटेट कराएंगे देन द पोजीशन इज 2 एंड 6. जब वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ जाएगी देन द पोजीशन इज 3 7, देन अगेन 4 8, एंड देन 5 एंड 1. सो डिफरेंट पोजीशंस पे हम देखेंगे ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है. तो सबसे पहले हम पोजीशन नंबर 1 एंड 5 पे देखते हैं. तो मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताती हूँ थोड़ा. सपोज़ ये दो आपके पोल्स हैं एंड आपकी कॉइल है बिल्कुल सेंटर में प्लेस्ड है. सपोज़ इस पे जब बाउंड होगी, ये वाली पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे जब है तो इस पोजीशन में अब फ्लक्स तो आपकी सारी की सारी पास कर रही है. देखिए, जो भी नॉर्थ से साउथ में फ्लक्स आ रही है दैट इज़ फ्लक्स पासिंग इज मैक्सिमम. मैक्सिमम फ्लक्स लिंक कर रही है, सारी की सारी फ्लक्स लिंक कर रही है, बट चेंज इन फ्लक्स नहीं हो रहा. फ्लक्स पास तो कर रही है पर इस पोजीशन पे अगर वो थोड़ा सा घूमेगी भी तो फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा. थोड़ा विजुलाइज कर सकते हैं. तो जब भी कॉइल आपकी इस पोजीशन में होगी 1 और 5 पोजीशन में, तो उस टाइम आपका फ्लक्स में जो बदलाव है वो 0 होगा. तो आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो भी 0 होगा. अगर हम ड्रॉ करें तो पोजीशन नंबर 1 पे, जब हमारा ए कॉइल पोजीशन नंबर 1 पे है,
तो उस टाइम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो ज़ीरो है। अब जब आपकी ये कॉइल है 1-5 पोजीशन से, अब जब 3-7 पोजीशन तक जब आएगी, जब ऐसे प्लेस्ड है ये, अब धीरे धीरे ये कट करेगी और इस पोजीशन पे आएगी। तो इन दोनों पोजीशंस के बीच में, यहाँ पे तो आपका ज़ीरो है और यहाँ से धीरे धीरे भी फ्लक्स कटिंग इसका इंक्रीज़ होगा, तो धीरे धीरे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो अब इस यहाँ से यहाँ तक पोजीशन में फ्लक्स कटिंग इंक्रीज़ हो रहा है, तो 1-5 से 3-7 में चेंज इज़ इंक्रीजिंग, चेंज बढ़ रहा है, तो ईएमएफ इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। अब यहाँ पे हम ए की पोजीशन मार्क की हमने, ए यहाँ पे 1 पोजीशन पे था, जब 3 पे आ गया तो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब 3 देखते हैं, जब ये कॉइल ए कॉइल 3 पे है और अब ए डैश आपकी 7 पे है, इस पोजीशन पे मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होता है। थोड़ा सा भी अगर ये इस तरफ को मुड़ेगी या फिर यहाँ से आ रही है, तो थोड़ा सा जब भी इसमें पोजीशन में चेंज होगा तो मैक्स बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा फ्लक्स लिंकेज में। तो जो आपकी ये पोजीशन है वो मैक्सिमम चेंज की पोजीशन है। इस पोजीशन में जब रखा है, देखने में आपको लग रहा होगा कि फ्लक्स क्रॉस नहीं कर रही, नो डाउट फ्लक्स क्रॉसिंग पास लिंकेज मिनिमम है, बट चेंज थोड़ा सा भी अगर मुड़ेगी तो फ्लक्स बहुत ज़्यादा बदलेगी। तो फ्लक्स में चेंज मैक्सिमम है, चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ईएमएफ इस पोजीशन में मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम ईएमएफ की पोजीशन है। अब जब 3-7 से आपकी कॉइल जो है वो धीरे धीरे मुड़ के, अब ये जब 5-1 पे आ जाएगी, तो 3-7 से 5-1 पर अगेन चेंज इन फ्लक्स मैक्सिमम था, अब थोड़ा थोड़ा उससे डिक्रीज होगा, तो अब धीरे धीरे उसके कंपैरिजन में चेंज डिक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स थोड़ा डिक्रीज होगा। और जब अब आपकी कॉइल ए वाली मुड़ के जब 5 पोजीशन पे पहुंच जाएगी इस तरह से, तो अगेन इस पोजीशन में फ्लक्स लिंकेज तो मैक्सिमम है पर चेंज इन फ्लक्स मिनिमम है, तो 5-1 पोजीशन पे आपका चेंज इन फ्लक्स ज़ीरो है, तो ईएमएफ भी ज़ीरो होगा। अब हम बात करते हैं अगर इसके नेक्स्ट पोजीशंस की, तो नेक्स्ट पोजीशंस पे देखते हैं। अब जब हमारा कॉइल अब 5-1 पे पहुंच गया है, अब आपका ए जो है वो 5 पोजीशन पे पहुंच चुका है और ए डैश 1 पे, तो 5-1 से अब हमें देखना है 7-3 तक क्या होगा। तो अगेन फ्लक्स आपकी फ्लक्स चेंज इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो हो चुका था और आपका ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा, बट अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब आपकी देखिए ए कॉइल यहाँ पे पहुँच चुकी है, ठीक है, तो अब उस वाली कॉइल में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन चेंज होगी, धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, 7-3 तक इंक्रीज़ होगा, और 7-3 दोबारा से आपकी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ये, जब ऐसे कॉइल रखेंगे इस पर मैक्सिमम चेंज होगा, तो अगेन मतलब कॉइल ए अब 7 पोजीशन पे है, तो इस पोजीशन में हमारा मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो 7-3 पोजीशन में फ्लक्स चेंज मैक्सिमम है एंड ईएमएफ इज मैक्सिमम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड अब देखते हैं 7-3 से कॉइल आएगी अब अगेन 1-5 तक, अब 7-3 टू 1-5 धीरे धीरे मैक्सिमम से अब थोड़ा डिक्रीज होगा, तो अब आपका ये ईएमएफ थोड़ा डिक्रीज होगा, और अगेन जब ये कॉइल आपकी दोबारा से 1 पोजीशन में पहुंच जाएगी पूरा सर्कल कंप्लीट करके, तो उस पर भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म फॉर्म होती है। अब हम करंट की डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो करंट की डायरेक्शन जो इस कॉइल में फाइंड हम निकालनी है, वो हम या तो हम लेंजेज लॉ का भी यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है, या हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब ये कॉइल प्लेस्ड है, ठीक है, इस तरह से मैं एक साइड में डायग्राम बना रही हूँ, नॉर्थ और साउथ है और ये यहाँ पे कॉइल है. तो इस पोजीशन में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, पर लिंकेज तो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़ीरो है. अब धीरे धीरे जब कॉइल मूव करके इस पोजीशन में आ गई, तो अब इसमें करंट्स कैसे प्रोड्यूस होंगे? तो यहाँ पे मतलब मोशन हम जो घुमा रहे हैं अपने रोटर को इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट्स प्रोड्यूस होंगे वो ऐसे होंगे कि अपने कॉज को अपोज करेंगे. इस तरह से यहाँ पे एक कॉइल वाउंड है, तो हम इसको इस तरह घुमा रहे हैं. तो इस तरफ क्या बनना चाहिए, आपका कौन सा पोल बनना चाहिए? अगर हम इस तरफ घुमा रहे हैं तो इसको अपोज करेगा, ये मोशन इस तरफ है, यहाँ पे आने को ये रोकेगा लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग. तो इस तरफ क्या बनना चाहिए? साउथ बनना चाहिए, तभी साउथ जो है वो साउथ को अपोज करेगा. और इस तरफ हमारा ये इस तरफ को मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनना चाहिए? नॉर्थ बनना चाहिए, क्योंकि जो भी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो इस डायरेक्शन में होते हैं कि अपने कॉज को वो अपोज करते हैं. तो यहाँ पे साउथ बनना है, इधर नॉर्थ बनना है, ये हमें डायरेक्शंस पता चल गई. अब नॉर्थ इस तरफ है, मतलब फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो इसके विद रिस्पेक्ट हम करंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे. तो ये नॉर्थ थंब की, आप थंब को नॉर्थ की डायरेक्शन में पॉइंट कीजिए, तो फिंगर्स हमारी ऐसे कर्ल हो रही हैं, मतलब करंट हमारा कैसे आ रहा है, यहाँ से अंदर को जा रहा है और वहाँ से बाहर को आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है. और अगर डॉट और क्रॉस की बात करें हम, तो कैसे बनेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, तो इस पर नॉर्थ की डायरेक्शन ये है, तो राइट हैंड रूल आप लगाइए. तो यहाँ से मतलब करंट आपका ऊपर की तरफ को आ रहा है और इधर अंदर की तरफ को जा रहा है, तो यहाँ पे आपका मतलब डॉट बनेगा इस साइड और इस साइड हमारा क्रॉस बनेगा. तो ये वाली पोजीशन थी, मतलब इस साइड हमारा बनेगा डॉट एंड इस साइड हमने बनाया क्रॉस. एंड सेम चीज़ हम राइट हैंड रूल से भी देख सकते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से. तो अब सबसे पहले सपोज इस कंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे जो इस साइड कंडक्टर है, हम अगर इसको इस साइड रोटेट करा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ये है, तो इस पर जो फोर्स है वो नीचे की तरफ को लग रही है. इस वाले कंडक्टर पे फोर्स नीचे को लग रही है और इस वाले फोर्स ऊपर को लग रही है, तभी वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. तो हमें फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई. तो हम FBI राइट हैंड रूल लगाएंगे, जिसमें थंब आपका फोर्स की डायरेक्शन बताता है, बी मैग्नेटिक फील्ड की और आई करंट की. तो इस वाले कंडक्टर पे देखते हैं, इस पे फोर्स हमारी नीचे को लग रही है, ठीक है, नीचे को मतलब थंब पॉइंट करेगा और आपका मैग्नेटिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में, तो करंट हमारा ऊपर को आ रहा है, ऊपर मतलब यहाँ पे डॉट था. लेंजेज रूल से भी यहाँ पे हमारा डॉट ही आ रहा था और वैसे यहाँ पे देखेंगे तो क्रॉस आएगा. तो हम डायरेक्शन चाहे तो हम लेंजेज रूल से भी निकाल सकते हैं, चाहे हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है. अब हम इस पोजिशन में देखते हैं, सपोज़ जब कॉइल हमारी यहाँ पे पड़ी है और हम इस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, तो कुछ इस तरह से बनेगा. और कॉइल हमारी यहाँ पे पड़ी है और इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इस डायरेक्शन में रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है. तो इस पोजीशन में हमारा क्या बनेगा? अब यहाँ पे हम इस यहाँ इस साइड क्या बनेगा, ऑब्वियसली इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे साउथ बनेगा, साउथ और साउथ तभी अपोज करेंगे. और हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, इसको अपोज करने के लिए इधर नॉर्थ बनेगा. तो हमें नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन पता चल गई. तो अगेन हम इसमें राइट हैंड रूल लगाए, नॉर्थ की डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा, तो फिंगर्स कुछ ऐसे कर्ल हो रही हैं, यहाँ से करंट बाहर को आ रहा है, मतलब इस साइड हमारा डॉट बन रहा है और इस साइड क्रॉस बन रहा है. तो इस साइड हमारा डॉट बन रहा है और इस साइड क्रॉस बन रहा है, ठीक है. अगेन हम यहाँ देखेंगे तो इस साइड डॉट बनेगा और इस साइड क्रॉस बनेगा और सेंट्रल पोजिशन में हमारा कुछ भी नहीं आएगा. तो जैसे जैसे हम रोटेट कराने हैं, तो देखिए पहले ए इधर है, ए में कुछ भी अभी नहीं था, अब ए वाली साइड टू पे आ गई. तो टू पे आ गई मतलब ए में अब करंट कैसे जा रहा है आपका, ऊपर को आ रहा है, यहाँ पे भी ऊपर को आ रहा है, इंक्रीज हो गया, मैक्सिमम हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज हुआ यहाँ से, पर है ऊपर को ही है. यहाँ पे अब ए पहुँच गया और रोटेट होके ए इस साइड आ गया, ठीक
क्या, इनिशियली ए डैश था यहाँ पे, ए रोटेट होके 5 में पहुँच गया और आपका ए डैश ऊपर पहुँच गया, इस पोजिशन में 0 हो जाएगा। अब ए यहाँ पे 6 में जब आएगा तो देखिए ए में करंट क्या हो चुका है, क्रॉस हो गया, ठीक है। तो मतलब ए में पहले करंट डॉट था, क्रॉस हो गया। तो वही हम बात कर रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है हाफ साइकिल, मतलब हाफ रोटेशन के बाद, ठीक है। तो इसीलिए हमें साइनोसॉइडल वेव फॉर्म मिल रही है। नाउ वी विल डिस्कस केस वेयर वी हैव 4 पोल्स। तो इसमें मैंने 4 पोल्स बना लिए हैं, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, बीच में रोटर रखा है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मार्क करती हूँ, यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ रहेगी, तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी और इस तरफ को भी। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड आपकी साउथ टू नॉर्थ ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करेगी। हर एक लाइन हमेशा ये जो लूप है ये क्लोज्ड होता है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्शन रहेगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से तो 4 पोल का ये मैग्नेटिक स्ट्रक्चर रहेगा। सॉरी, यस, नॉर्थ एंड हियर वी हैव नॉर्थ, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ, ऑल्टरनेट हमने पोल्स बनाए हैं। तो यहाँ पे रोटर है, रोटर पे क्वाइल रखी है। सपोज क्वाइल आप देखिए जब इस पोजीशन में होगी, ठीक है। 2 पोल के केस में हम कैसे लेते थे, जब क्वाइल आपकी इस पोजीशन में होती थी तब उस पर सारी की सारी फ्लक्स क्रॉस करती थी, पर चेंज 0 होता था तो ईएमएफ इंड्यूस्ड भी आपका 0 होता था। अब इस केस में क्या होगा, आपका ये वाला जब यहाँ पे कॉइल होगी आपकी, तो सारी की सारी पास करेगी, देखो, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे ज़्यादा पोल्स हैं तो यही ये वाली मैक्सिमम पोजिशन है, तो इस पोजिशन में हमारा मैक्सिमम क्रॉस कर रहा है और चेंज 0 है, तो ये ईएमएफ 0 की पोजीशन है। वैसे ही जब कॉइल मूव करके यहाँ पे आ जाएगी तो ये हमारी मैक्सिमम की पोजीशन हो जाएगी, देन अगेन ये आपकी 0 की पोजीशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ वेव फॉर्म, तो आपकी वेव फॉर्म कुछ कैसे बनेगी, ठीक है। सपोज ये कॉइल पोजीशन नंबर 1 ले ली, पोजीशन नंबर 1 पे मैक्सिमम आपका क्रॉसिंग हो रहा है पर चेंज नहीं हो रहा, तो 0 है। धीरे धीरे आपका चेंज बढ़ेगा, फिर आपका इस पोजीशन पे जब कॉइल पहुंच जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन से जब यहाँ पे कॉइल आ जाएगी तो यहाँ पे हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होके मैक्सिमम हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे आपका धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और जब यहाँ पे कॉइल पहुंच जाएगी इस पोजीशन पे अगेन फ्लक्स चेंजिंग आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे कॉइल पहुँचेगी तो अगेन आपका धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होगा, तो धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर हमारा अगेन यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन पे दोबारा से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा दोबारा इंक्रीज़ होगा, इस पोजीशन पे मैक्सिमम आएगा, फिर यहाँ से इस सेंटर पोजीशन तक ये 0 हो जाएगा सेंटर पोजीशन पे, और अगेन हमारा इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं बना, पर ये कैसा बनेगा, आपके 2 साइकिल बनेंगे। जब हमारे 2 पोल्स थे तो हमारा एक रोटेशन बन रहा था,
अब हमारे चार पोल हैं, तो एक रोटेशन में हमारा दो साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी हमारा बनता है, दैट थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाय टू टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। इसका जस्टिफिकेशन भी यही है कि देखिए जब पोल्स आपके टू हैं, ठीक है, तो इसमें पुट करो, जब टू पोल्स होंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, एट दैट टाइम थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर होगा। मतलब जब मैकेनिकल रोटेशन, जब हमने एक पूरा रोटेशन घुमाया, तो एक पूरे रोटेशन में मैकेनिकल डिग्रीज कितने हो गए, थीटा मैकेनिकल 360 डिग्रीज, और अगर दो ही पोल्स हैं तो थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर होगा। तो दो पोल्स जब थे तो हमारा एक ही साइकिल मिलता था, एक साइकिल मतलब 360 डिग्री, तो इलेक्ट्रिकल के भी हमें 360 मिले और मैकेनिकल भी हमने 360 रोटेट करवाया। बट अगर हमारे नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हैं, सपोज यहाँ पे चार हैं, तो अब इसमें पुट करके देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, टू टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल हो गया। तो हमने घुमाया तो यहाँ पे 360 डिग्रीज ही अपनी कॉइल को, पर आपको इलेक्ट्रिकल के कितने साइकिल मिले, दो साइकिल मिले, 720 डिग्रीज मिला। तो थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाय टू टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल। ये आपने पहले भी कहीं ना कहीं आप पिछले सेमेस्टर में हो सकता है ये स्टडी किया हो, सो इसका जस्टिफिकेशन ऐसा रहता है। तो मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि थीटा इलेक्ट्रिकल पी बाय टू टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल है। अगर दो पोल्स हैं आपके, ठीक है, तो उसमें अगर कंडक्टर रखा है और हम एक पूरा रोटेशन देते हैं उसको 360 डिग्री का, तो आपको इलेक्ट्रिकल जो वेव फॉर्म जनरेट होगी वो भी आपको एक वेव फॉर्म जनरेट होगी 360 डिग्री की। तो दो पोल में हमने रोटेशन भी एक दिया और आपको जो जनरेट हुआ EMF वो भी आपको एक सेकेंड मिला। तो अगर दो पोल हैं तो इसमें पुट करो, दो पोल्स के लिए थीटा इलेक्ट्रिकल थीटा मैकेनिकल के बराबर होगा। पर हमने ये भी देखा कि जब चार पोल थे हमारे, तो हमारे को दो साइकिल मिल रहे थे, मतलब 720 डिग्रीज मिल रहा था, और पोल्स इज इक्वल टू फोर। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, थीटा इलेक्ट्रिकल में पुट करेंगे यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल हो जाएगा। तो हमने घुमाया तो एक 360 डिग्रीज था, पर आपको कितना थीटा इलेक्ट्रिकल कितना मिला, 2 × 360 720 डिग्रीज मिला। अब इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। तो देखो अब सपोज हम अपनी कॉइल को, इस वाली कॉइल को एक सेकंड में n टाइम्स घुमा रहे हैं, मतलब उसकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है इस कॉइल की वो है n रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, इतने RPS है, ठीक है, n। तो अगर हमारा दो ही पोल है तो जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, कितने साइकिल होंगे। तो अगर हमारा जो रोटेशन है वो n बार रिवॉल्व करता है एक सेकेंड में, इसका मतलब ये है अगर स्पीड n बार है, एक सेकेंड में n टाइम्स रोटेट कर रहा है, तो उस टाइम इसके भी कितने साइकिल होंगे, n नंबर ऑफ साइकिल्स ही होंगे। तो जो फ्रिक्वेंसी है जो इलेक्ट्रिकल की कितने साइकिल होंगे आपके, n के बराबर ही होंगे अगर दो ही पोल है, और अगर दो से ज़्यादा पोल्स हैं आपके तो पी बाय टू टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके चार पोल हैं तो आपके क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, पी नंबर ऑफ 4/2, टू टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिकल की नंबर ऑफ साइकिल्स में और मैकेनिकल नंबर ऑफ साइकिल्स में। पहले हमने डिग्री से किया, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू पी बाय टू टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल, और वही आपका साइकिल्स में भी एप्लीकेबल है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइकिल्स इन 1 सेकेंड। इसका मतलब, एफ का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू पी बाय टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मैकेनिकल साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो ये सेम होंगे अगर दो पोल हैं, और अगर ज़्यादा पोल हैं तो ये रिलेशन होगा।
अब इसी को मैंने अगर आरपीएम में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा? देखो, अगर कई बार क्वेश्चंस में आपको स्पीड आरपीएस की जगह आरपीएम में दे रखी होती है, तो अगर मान लो आपको स्पीड आरपीएम में गिवन है, पर मिनट में गिवन है, तो हम पहले आरपीएस में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आरपीएम एन आरपीएम है तो एक सेकेंड में कितना होगा? आरपीएम का मतलब हो गया कि 60 सेकेंड्स में, एक मिनट में एन टाइम्स रिवॉल्व कर रहा है, मतलब एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड में एन टाइम्स हम इसको रोटेट करा रहे हैं। तो एक सेकेंड में कितने टाइम्स किया हमने? एन बाय 60 टाइम्स, ठीक है। तो आरपीएस में हमने सेकेंड में इतना किया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी एक सेकेंड के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मतलब हमारा एक सेकेंड में कितना हो गया, ये एन बाय 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? पी एन डिवाइडेड बाय 120। तो अगर आर पी एम गिवन है तो यहाँ पे हमारा होगा एफ इज इक्वल टू पी एन डिवाइडेड बाय 120, अगर आर पी एस है तो एन बाय 2 होगा। तो अभी तक जो हमने इम्पॉर्टेंट रिलेशंस पढ़े हुए ये हैं, एक तो है थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाय 2 टाइम्स ऑफ थीटा मैकेनिकल, एक पढ़ा हमने F इज इक्वल टू पी बाय 2 टाइम्स ऑफ N, F का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, F आपको पता ही है वैसे, इन 1 सेकेंड, और ये होता है स्पीड ऑफ रोटर इन RPS, मतलब रिवॉल्यूशंस एक सेकेंड में कितनी रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। और अगर इसी को हमने आर पी एम में कन्वर्ट करना है तो एफ इज इक्वल टू पी बाय 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एन बाय 60 हो जाएगा, मतलब एफ एन बाय 120। तो ये रिलेशन बनेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जो स्पीड है वो आर पी एम में गिवन होती है, वेयर एन इज स्पीड इन आर पी एम रिवॉल्यूशंस पर मिनट।